कब्जे में मौजूद हो, आज तक तुम अपना कर्ज नहीं चुका पाए, इसलिए आज तक तुम सब नर्क में ही रहे थे। हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइज, रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही कमाल का शो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्क्विड गेम्स। अब मैं उसी शो को अभी देख के हटा हूँ एंड यार क्या ही कमाल का शो है। मतलब इसमें डायरेक्शन, एक्टिंग, स्टोरी लाइन बहुत ही परफेक्ट है एंड इस शो को देखने के बाद मेरे से रहा नहीं गया एंड आई थॉट कि क्यों ना कुछ बनाया जाए इस शो से रिलेटेड। एंड काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि यार स्क्विड गेम के ऊपर कुछ बनाओ, तो आज की इस वाली वीडियो में हम ट्राई करेंगे स्क्विड गेम का एक पोस्टर बनाने की एंड लेट्स सी क्या हम उसको बना पाते हैं। नेटफ्लिक्स पे जो पोस्टर रहते हैं उस टाइप का पोस्टर हम कुछ बनाएंगे, उसको मिमिक करेंगे एंड लेट्स सी क्या हमारा पोस्टर बन पाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा मूड बोर्ड अपना तैयार कर लेते हैं, किस टाइप के हमें आउटफिट्स चाहिए एंड किस टाइप के हम थीम रखने वाले हैं, कैसा हम पोज करने वाले हैं, ये सब चीज़ हम थोड़ा नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं या फिर थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेते हैं। इसके पोस्टर्स मैं सर्च करता हूँ एंड लेट्स सी। देखो सिंपली मैं गूगल पे सर्च करता हूँ स्क्विड गेम, ओके, एंड इसकी इमेजेस में चलते हैं। ये है इसका पोस्टर, एक बार ना मैं सिर्फ स्क्विड गेम पोस्टर सर्च कर ले रहा हूँ। कि ये एक ऑप्शन है, ऐसा भी हम बना सकते हैं ट्रायंगल स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हमें ना ये रेड आउटफिट चाहिए होंगे जो कि मेरे पास नहीं है। ये हाँ, ये इसका ना मेन करेक्टर आपको बताओगे, ये वाला जो करेक्टर है ये इसका बिल्कुल मेन करेक्टर है। इस पर मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाने की, ये जो बिस्किट वाला इसका रोल है ना, ये जो कुकी पकड़ रहे हैं हाथ में, मैं सोच रहा हूँ उससे कुछ हम बनाएं। उसके लिए हमें कुकी लेके आनी पड़ेगी या फिर हम एडिटिंग में कहीं से काट पीट के लगा लेंगे। तो थोड़ा सा मैं कुछ देखता हूँ, कुकी वाला सीन कहीं से मिल जाए। ये रहा, ये वो कुकी वाला सीन है जो मुझे चाहिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर लूँ, ये जो कुकी वाला एक बिस्किट हाथ में पकड़ रखा है और ये दूसरा जो फॉन्ट लिखा हुआ और पीछे वो बैकग्राउंड है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं और नीचे सैंड वैंड होगी, इसको हम कुछ रिक्रिएट करते हैं, ठीक है। ये आई थिंक बेस्ट लग रहा है। ओके, तो ये जो मैं सोच रहा हूँ इसके लिए हमें दो तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए एक इसमें कुकी, ठीक है। कुकी लेने के बाद हमें लेना है ट्रैक सूट ग्रीन कलर का, ग्रीन या फिर ब्लू जो भी कलर मिल जाए उसको हम एडिटिंग में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक सूट ऐसा हो। तो सेकेंड डे आ गया हमारा ट्रैक सूट। एंड थर्ड चीज़ हमारी जो हम ये स्टॉक इमेजेस देख रहे हैं, बैकग्राउंड पोस्टर वगैरह ये सब कुछ, तो ये भी हम लिख लेते हैं और बस इतना ही चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे ध्यान देने की, मुझे ये फोटो ना लाइट में क्लिक करनी पड़ेगी, सनलाइट में, क्योंकि यहाँ पे धूप वाला सीन है और ये आउटडोर गेम थी, मतलब उन्होंने बस वॉल पे पेंट कर रखा था लेकिन वो कहीं ना कहीं से नेचुरल लाइट आ रही थी। तो मैं भी ये सारा शूट जो है नेचुरल लाइट में करूँगा एंड छत पर शूट करेंगे, ठीक है। छत पर ज़्यादा बिल्कुल सही रहेगा, कोई हमें फालतू लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फोटो हमारी नेचुरली काफ़ी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। ओके, सो आई गॉट कुकी। इसको हम जस्ट ऐसे पकड़ेंगे और रिप्लेस करके इसमें वो ओरिजिनल कुकी लगा देंगे जो शुगर वाली वो बनाते हैं, वो वाली लगा देंगे। एंड ऑल्सो आई जस्ट गॉट दिस ट्रैक सूट। तो ये ट्रैक सूट एक्चुअल ग्रीन तो नहीं है, मतलब जो उनका कलर है बिल्कुल ग्रीन वाला वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डार्क ग्रीन है और थोड़ा सा ओलिव कलर है। बट यस, इसको हम एडिटिंग में चेंज कर लेंगे, मेरे को जो मिला मैंने वो उठा लिया। तो इस ट्रैक सूट का हम यूज़ करने वाले हैं एंड या फटाफट से मैं रेडी होता हूँ और फिर चलते हैं छत पर, इस फोटो को क्लिक करते हैं। हेलो हेलो ब्रो, यार फोटो क्लिक करनी थी, आओगे? मैं सामने वाले घर में 5 मिनट में हूँ। ओके आ जाओ, 5 मिनट में आ जाओ। चलो भाई अब चलते हैं अपनी फोटो खींचने छत पे, और छत पे बहुत ज़्यादा धूप है पर हमें यही धूप चाहिए, लेकिन इस वाली छत पे नीचे ये टाइल्स है जो आपको दिख रही होंगी, तो इससे हमारी फोटो ख़राब हो सकती है, तो हमें ऊपर वाली छत पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे टाइल्स नहीं है। तो वहाँ मैं अपना कैमरा ले चलता हूँ। अरे सर पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक यार, 5 मिनट पूरे नहीं अब तक। 2000 years later. भाई फाइनली आ चुका है हमारा फोटोग्राफर। भाई आ जाओ छत पे खींच ले फोटो। इतनी ज्यादा धूप में, आर यू रेडी? ओह यस। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी फकिंग एक्साइटेड। बहुत ज्यादा धूप है यार यहाँ पे।
कैमरा यूज़ कर रहे हैं R5 और लेंस है 50mm, क्योंकि हमें थोड़ा सा वाइड वाइड चाहिए। अपने को लेने का है थोड़ा टॉप एंगल लेना, जैसे 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 मेरे ऊपर से तुम देख रहे हो, ठीक है। इतनी ज़्यादा धूप है ना, धूप की तरफ आंखें नहीं खुल रही और हमें फोटो धूप की तरफ ही खींचनी है, क्योंकि लाइट डायरेक्ट मुंह पे आनी चाहिए। मैंने जो पोस्टर में देखा था वैसा ही, बहुत मुश्किल हो रहा है, आंखें भी नहीं खुल रही अब तो। कैसे करें? अरे मैं कह रहा हूँ कि जैसे देखो यहाँ से देखोगे सूरज तो पड़ेगा आंखों में, ये किधर की साइड देखें ना, टंकी है, टंकी की साइड देखोगे तो सूरज राइट साइड में पड़ेगा, मतलब फेस पे भी आएगा। अरे तो मैं कैमरा कैसे फेस करूँगा फिर? कैमरा तो सूरज की तरफ रखा, ऐसे रखोगे ना, कैमरे पे तो देखना है। तो मैं उधर की साइड से ले लूँगा ना फोटो, थोड़ी नीचे साइड से इस दीवार के ऊपर चढ़ के ले लो तो फोटो। इस दीवार के ऊपर चढ़ के ले लेंगे फोटो। फिर ये स्ट्रगल है, ये एक फोटो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें। वैसे स्ट्रगल कुछ नहीं है, मज़ा आ रहा है इसमें, तो है ना, स्ट्रगल है भाई ये। ये जो फोटो है ये हमारी चल सकती है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। शूटिंग का पार्ट डन, अब देखते हैं आगे क्या करना है, इसको एडिट कैसे करना है। मतलब भाई सबसे पहले तुम्हें कपड़े चेंज कर लो यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसके बाद बैठूंगा पीसी पे और करूँगा इसको एडिट, पूरा पसीना हो गया बे। भाई यहाँ पे आई थिंक मेरी पूरी फोटो एडिट हो चुकी है, एंड आप देखो ये फोटो कैसी लग रही है आपको। मतलब मुझे तो ठीक ही लग रही है, क्योंकि इसमें 2-3 घंटे की मेहनत लगी है एंड 2-3 घंटे में ये फोटो मैंने बनाई है। इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं ना, अगर मैं इनको गिनूँ तो कम से कम 25-30 लेयर्स होंगी इसमें, और बहुत ज़्यादा काम किया मैंने इसमें, एंड उसके बाद ये फोटो फाइनल ऐसी बन पाई है। डिटेल्स फोटो में काफ़ी अच्छी लग रही है। इस फोटो अगर मैं आप सामने ब्रेक डाउन करूँ तो बहुत ही सिंपल है। मैंने जस्ट अपनी फोटो को इंपोर्ट किया फोटोशॉप के अंदर, वहाँ पे स्किन को रिटच किया, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया एंड वहाँ पे एक नया बैकग्राउंड ऐड किया। उसके बाद मैंने अपने ट्रैक सूट का जो कलर है वो चेंज किया कलर बैलेंस के थ्रू, एंड उसके बाद मैंने अपने हाथ में जो बिस्किट था उसको हटा के वहाँ पे एक कुकी लगा दी, जिसका मैंने PNG गूगल से उठा लिया था। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट्स को बनाया, जैसे कि आगे एक सर्कल था उसके अंदर वो दूसरा सीन था उसको मैंने फिट इन किया, एंड उसके बाद स्क्विड गेम का जो टेक्स्ट था वो लगाया, थोड़ा बहुत फोटो में ग्रेडियंट डाला, एंड उसके बाद फोटो में फाइनल कलर ग्रेडिंग की कैमरा रॉ के थ्रू, एंड ओवरऑल फोटो हमारी ऐसी बन गई थी जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब आपको ये फोटो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस फोटो को एक ट्यूटोरियल बनाऊं जिससे कि आप भी अपनी फोटो को इस तरीके से एडिट कर पाएं, तो कमेंट डाउन, क्या पता अगली वीडियो में आपको इसी फोटो का ट्यूटोरियल दे दूं। खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड कमेंट करके बताओ आपको ये फोटो कैसी लगी। और अगर आप इस फोटो को देखना चाहते हो डिटेल में, तो मैंने इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो ऐसी कमाल की फोटोग्राफी एंड एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।